हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल का नाम एवं सर। मैं आज आप लोगों को बनाने वाला हूं एएमयू बीएससी नर्सिंग का जो पेपर है उसका पूरा एनालिसिस करेंगे जो 2024 मतलब आज के दिन। आज है आप लोगों का 14 मई। तो 14 मई को जो पेपर हुआ है उसका हम सोल्यूशन देने वाले, उसका आंसर भी देने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लगातार देखना, अच्छे तरीके से देखना। और ये बताइएगा कि आपको आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। अभी मेरे पास यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं पेपर जो है व्हाट्सएप पर आ गया है। कुछ क्वेश्चन आए हैं, पूरा पेपर अभी नहीं आया है। तो जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं पहले मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी के जो और पेपर है वो थोड़ी देर में बच्चा भेज देगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं बता दूं पेपर में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं, कितना अटेम्प्ट किया है, क्या पेपर आपको इजी लगा या हार्ड लगा, ये आप लोग बताइएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है मिसल्स इज ए, तो मिसल्स को बोलते हैं खसरा। खसरा जो होता है ये कैसा है, कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है कि ये ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाती है। तो इसका आंसर जो आना चाहिए ऑप्शन बी आना चाहिए, ठीक है। और अगले नंबर का क्वेश्चन और देखते हैं जो भेजा गया है। अगला है हमारे पास ये है कॉपलिक स्पॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो कॉपलिक स्पॉट जो होते हैं, ठीक है, ये जो है आप लोगों को बता दें इसमें आंसर जो आपका आएगा मीसल्स, इधर चिकन पॉक्स, जर्मन मीसल्स या स्मॉल पॉक्स, ऐसा कुछ दे रखा है। आपका जो आंसर आएगा वो मीसल्स ऑप्शन ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले नंबर का मेरे पास एक क्वेश्चन और आया है, दिखाता हूं मैं अगला क्वेश्चन कहां गया भाई। आइए आइए आइए, मिल गया मिल गया मिल गया। यहां पर है डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाई द बाइट ऑफ। तो डेंगू जो होता है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है या फाइलेरियासिस बीमारी है, ये सभी बीमारियां जो होती हैं ये पता है कैसे होती हैं, ये होती है मॉस्किटो के काटने से। तो आंसर इसका जो आएगा ऑप्शन ए आएगा मॉस्किटो, ठीक है। अगले नंबर का है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन ऑब्जर्व ऑन। तो इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया जाता है वो ऑप्शन इसमें है ए है जुलाई 21 जुलाई, मई 21, अगस्त या जून। तो आपको बता दें योगा डे तो हमारे बाबा रामदेव के द्वारा मनाया जाता है और पूरे विश्व में बाबा रामदेव प्रसिद्ध हैं योगा के लिए। इन्होंने 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। तो इसमें आंसर जो आएगा 21 जून आएगा, ठीक है। अगला है ओपीडी। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि हॉस्पिटल जाते हैं कि हमारे ओपीडी चलती है। तो ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्चुअली में ओपीडी होती क्या है, ये भी आपका पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपका जो आएगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, क्या आएगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी वाला जो है वो इसमें आंसर आएगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ओपीडी की फुल फॉर्म आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर ही चुके हैं और आपको बताते हैं और क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं। क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, नहीं है। विच ऑफ द फ्लोमिंग एनिमल पोसेस ए रेडुला, मतलब रेडुला जैसी स्ट्रक्चर जो होती है ये मिलती है मोलस्का प्राणियों में। तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, अगर जो मोलस्का का एग्जाम्पल होगा वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए दे रखा है पाइला, और पाइला जो होता है मोलस्का के अंदर आता है। तो पाइला जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आएगा 75 का, ठीक है। अगला आपका है इंटरकैलेटेड डिस्क आर फाउंड इन। तो ये डिस्क जो होती है मिलती है आपको कार्डियक मसल्स में, किसमें मिलेगी, कार्डियक मसल्स में देखने को मिलेगी। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगला है वी एन टी आर स्टैंड फॉर, तो वी एन टी आर का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो वी एन टी आर का फुल फॉर्म जो होता है वो ये होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, क्या आएगा ऑप्शन बी आएगा 73 का, ऑप्शन बी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, ये ध्यान रखिएगा। अगला मैं बताता हूं विच ऑफ द फ्लोमिंग इम्यूनिटी इज कॉल्ड पैथोजेनिक स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो पैथोजेनिक वाली जो होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कैटेगरी में ज्यादा जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ सकता है। अगला है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉम। जब कोई महिला शुरुआत में पीला गाढ़ा दूध अपने बच्चे को पिलाती है तो उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। तो ध्यान रखना उसके अंदर मिलेगी ये सोर्स ऑफ एंटीबॉडी IgA2 प्रोटेक्ट द इन्फेंट। तो IgA वाली मिलेगी, कौन सी मिलेगी IgA। इसमें आंसर जो होगा ऑप्शन 71 का ऑप्शन सी आएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो आपको पता है पराग कोष की सबसे पहली जो होती है उसे बोलते हैं टेबिटम, क्या बोलेंगे टेबिटम, जो इस तरह 70 का वो है सी वाला। करता हूं मैं विच ऑफ द फ्लोमिंग मेन एलिमेंट्स इज सोल्यूबल इन वाटर इज
मतलब है। तो देखो आपने कान देखी होंगी चट्टानी है उसके अंदर फास्ट आंसर है, तो इस आंसर आएगा ना फास्ट ऑफ आएगा स्नान का। अगला है बार्क रेफ्यू और शू आउटसाइड, तो इसमें आएगा आपका वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम आंसर आएगा 68 का ऑप्शन बी। अगला है एंड द आउटर लेयर ऑफ पोलिन ग्रीन इज कंपोनेंट ऑफ, तो पराग कोष का जो बाह्य छोर होता है वो बना होता है स्पोरो पोलिनिन का, स्पोरो पोलिनिन बहुत ज्यादा हार्ड पदार्थ होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है। अगला है द एमिनो एसिड हैविंग मिथाइल ग्रुप CH3 इज द R ग्रुप, तो आपको बता दें इसमें मिलता है एलेनिन के अंदर, एलेनिन जो होता है एक विशेष प्रकार का एमिनो एसिड होता है उसमें देखने को मिलेगा ठीक है। आगे देखता हूं और कौन से क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहां गया, ये रहा द मिरासीडियम ऑफ फैसिला स्विम एक्टिव इन वाटर विद द ऑफ, तो देखो इसमें फ्लेजेला नहीं होता, नहीं होते तीनों नहीं होते तो जो बी वाला बच्चा वही आंसर होगा। अगले सो कार्टिल आर नो, तो कार्टिल होता है जो होता है ये मिलकर ऑप्शन आएगा इसमें। अगले नंबर देखता है सेट वाला है मॉडिफाइड ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस यूज, तो ये वाला तो मैंने आज ही वीडियो में पढ़ाया आप लोगों को ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाली वीडियो में आ चुका है। इसमें आएगा क्लोनिंग इज डिलीवर जीन्स, तो जो जीन्स को डिलीवर करने का ये काम करता है, क्या है कर देना व्हिच इज वाज नॉट द मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है मतलब अनुवांशिक रोग जो होता है कौन सा नहीं है इसमें ठीक है, नॉट बोला है, हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइबर है और फिनाइल कीटोन्यूरिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया वाला तो यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था ठीक है, ये भी है, लेकिन ब्रेन कैंसर जो है ये इसका आंसर नहीं माना जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो ब्रेन कैंसर आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मेरे पास जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व करा दिए हैं। आप लोगों को वीडियो बेहद पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और भी क्वेश्चन की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और आप इतना जरूर बताएगा कि आपका कितना स्कोर बेटर है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं एक बार जरूर बताएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है।